हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल को गुलाब चंद्र। दोस्तों मैं हूं गुलाब और रीजनिंग का है ये आज 8वां भाग। यदि आपने 7 भाग नहीं देखा है तो जाकर चैनल को देख लीजिएगा। और आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करिए और कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न हो। यदि ये 4 विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी और इसमें जो है 3 विकल्प किसी न किसी तरीके से समान हैं और 1 विकल्प जो है सबसे अलग है। जो सबसे अलग है वही को छांटना है, वही आंसर होगा इसमें। तो अल्फ़ाबेट में जब कुछ ना समझ में आए तो अल्फ़ाबेट को पहले नंबरिंग कर देंगे, अगर नंबरिंग कर देंगे तब तो समझ में आएगा ही। तो देखेंगे पहले इसको नंबरिंग करते हैं। तो एन को करेंगे 14 नंबर पे है एन, आई 9 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, ई 5 नंबर पे। अब इन सबको हम प्लस कर देंगे तो सबको हम आपस में प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 14 और 9 23, और ये 5 को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 28, और ये 12 40। तो ये नहीं कि हमने इसको अगर सबको प्लस किया तो ये हो जाएगा 40, और जितना अंक इसमें है उतना जितना अक्षर इसमें है उतना इसमें भी है बी में। इसको भी देखते हैं एल 12 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एन 14 नंबर पे। यानी अगर हम इनको भी सबको प्लस करते हैं तो ये भी होता है 40। आइए सी को देखते हैं, सी में एल 12 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, ई 5 नंबर पे। इसको भी अगर हम सबको प्लस करते हैं तो ये भी होता है 40। अब देखते हैं डी में, तो एल 12 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, एन 14 नंबर पे। अब इसको भी अगर हम सबको प्लस करेंगे तो 14 और 1 15 और ये 5 20 और 12 32, यानी ये तो 32 ही होगा। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि कौन सबसे अलग है। तो देखेंगे तो इनमें जो है तीनों में इसमें भी 40 आ रहा है, इसमें भी 40 आ रहा है, इसमें भी 40 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 32 ही आ रहा है, यानी ये सबसे अलग है। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा जो सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर पूछा था अन्य तीनों विकल्पों से जो भिन्न हो वही को देखना है। तो इसमें आंसर हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को छांटिए जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों से नहीं बन सकता है। यानी ये एक जो है हमको दिया गया है शब्द, तो इनके जो अक्षर हैं, इनके जो लेटर्स हैं, इनको मिला के ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने ए बी सी डी, इनमें से जो है ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो पहले तो हम इसमें देखेंगे इसमें है क्या क्या। तो सी दिया है, ओ दिया है, यू एन टी और ई आर पी ए आर टी, इतना इसमें अक्षर दिया गया है। तो इसमें से कौन नहीं बनाया जा सकता, जो ना होगा इसमें वही नहीं बन पाएगा और जो होगा वो बन जाएगा। तो फर्स्ट में देखेंगे तो दिया है पी आर ओ टी ई सी टी, यानी जितना अक्षर इसमें दिया है ये सब का सब जो है फर्स्ट में मैच कर रहा है, तो फर्स्ट वाला बन जाएगा। अब सेकंड में देखेंगे बी वाला, तो इसमें दिया टी ई एम पी ई आर, तो इसमें तो और सब कुछ दिया है लेकिन ये जो एम है, ये एम जो है इसमें नहीं दिया है कहीं पर। आप लोग देख सकते हैं जब एम नहीं दिया है कहीं पे तो यानी हम इस वाले अक्षर को नहीं बना पाएंगे, यानी कि जब एम हमको इसमें दिया ही नहीं है तो हम कैसे बना लेंगे। और सी को देखेंगे इस प्रकार, तो टी टी ई एन ओ आर, तो इसको देखेंगे तो इस तो यह तो सब दिया है इसमें। और इसी प्रकार डी में देखेंगे टी आर ई ए टी, यानी इसमें भी सब का सब जो है दिया है अक्षर। तो यानी हमारा आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी में एम दिया है और एम जो है हमें इसमें नहीं दिया है तो ये वाला नहीं बनेगा, और इसमें वही पूछ रहा है जो नहीं बन सकता, यानी ये भी हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, यदि जोड़ का अर्थ घटाओ, घटाओ का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भागा, भागा का अर्थ जोड़ हो, तो ये एक हमारे पास समीकरण दिया है, इसमें है 15 गुणे 3 भागे 15
जो 15 माइनस 2 का मान क्या होगा। तो आइए इसमें देखते हैं, थोड़ा सा हम इस तरफ जो है थोड़ा हम इस वाले क्वेश्चन को मिटा रहे हैं और इसी की स्थान पर हम उसको जो है समीकरण को सॉल्व करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहले इसमें क्वेश्चन में हम कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं ये देखेंगे पहले इसको हम। तो पहले हम इसमें देखेंगे गुणा ओ भागा करना, तो पहले हम इसमें निकालेंगे भाग, भाग के बाद फिर हम उसको करेंगे गुणा, गुणा के बाद हम इसमें करेंगे प्लस और प्लस के बाद हम इसमें करेंगे माइनस। अभी तो फिलहाल इसमें इतना ही है और यदि और कुछ रहता तो हम इसमें जो है पहले उसको करते हैं। जैसे मान अगर ब्रिकेट अगर वो है ब्रिकेट है तो हम ब्रिकेट भी पहले करेंगे, इस इनसे पहले हम करेंगे उसको तो कोष्टक को। तो इस प्रकार जो है ये बनता जाएगा, तो जैसे अगर और मिलेगा आगे तो हम उसको भी बता देंगे, लेकिन फिलहाल इसमें जो है इतना ही दिया है सिंबल, तो इतना ही सीखते हैं। पहले भागा करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर उसके हम प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो हम देखते हैं इसको, पहले हम यहाँ पास हम इसको लिख लेते हैं पूरा। पहले तो 15 × 3 / 15 + 5 - 2 इतना है। अब इसमें देखेंगे किसको क्या कहा है, तो प्लस का अर्थ माइनस है। इसमें देखेंगे प्लस कहाँ है, प्लस यहाँ, इसका अर्थ माइनस है, तो हम इसके नीचे माइनस लिख देंगे यहीं पास। अब देखेंगे माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस यहाँ पास है, तो हम इसके जगह पर गुणा कर देंगे। और देखते हैं अब इसके बाद तो क्या कहता है, तो गुणा का अर्थ भागा है, तो देखेंगे गुणा है कहाँ, तो यहाँ है, तो इसके स्थान पर भाग हो जाएगा। और उसके बाद जो है भागा का अर्थ जोड़ है, तो भागा यहाँ पास है, तो हम यहाँ पास जोड़ कर देंगे, यानी यहाँ पास हो जाएगा प्लस का सिंबल। अब ये जो पहले वाले सिंबल्स हैं ये वाले, अब इनसे कोई मतलब नहीं है, अब ये सिंबल सब का सब हट जाएंगे। अब क्योंकि अब ये जो कहा है नीचे वाला जो हमने लिख दिया है, अब इन्हीं सिंबल पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो यानी हम इसको थोड़ा सा बीच में लिख दे रहे हैं, ये भागा है और ये यहाँ पास प्लस है और ये माइनस है और ये जो है गुणा है। तो इसमें हमने बताया पहले क्या सॉल्व करेंगे, पहले हम भाग वाले को, भाग वाला जो ऑप्शन है ये इस वाले के बीच में है, तो हम इसको करेंगे 15 भागों को हम भाग को हम गुणा में बदल देंगे और 1/3 हम इसको कर देंगे, तब आ जाएगा 15 × 1/3। अब ये 3 से इसमें भाग लग जाएगा और बाकी को हम वही उतार लेंगे, तो हम प्लस करेंगे, ये 15 है इसको भी हम उतार लेंगे, माइनस है, फिर इसके बाद हम ये 5 है × 2 है, हम इसको उतार लेंगे। अब इसको हम इसमें भाग दे देंगे, तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, ये 5 हो जाएगा। अब इस पर जो संख्या बचेगी उससे हम इसको गुणा कर देंगे, क्योंकि ये गुणा में है, तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होने वाला है, तो 1 होगा। और ये जो हम प्लस का साइन है इसको भी उतार लेंगे, ये 15 जो लिखा है इसको उतार लेंगे, माइनस, फिर ये जो है ये 5 और ये जो है अब सेकेंड में हम इसमें करेंगे का, तो सेकेंड में हम इसमें गुणा करेंगे, तो ये 5 × 10 हो जाएगा, हम इसको गुणा कर देंगे। तो अब इसके बाद क्या होगा अब देखते हैं, तो अब इसमें जोड़ है, तो अब हम जोड़ देंगे इसको, तो ये जोड़ या अलग चिन्ह यहाँ पे है, तो ये 15 और 5 को हम जोड़ देंगे, हो जाएगा 20, और ये माइनस और ये 10 को हम उतार लेते हैं उसी प्रकार। अब जो है इसमें बचा है घटाओ, अब इसको हम घटा देंगे, तो 20 में से हम 10 को घटा देंगे, तो बचेगा 10, यानी यही 10 हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखेंगे 10 हमको किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल जाएगा 10। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्त हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसमें है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे ये फिगर को, ये फिगर नंबर 1 है, ये फिगर नंबर 2 है और ये 3 है, फिगर नंबर 3 है। तो देखेंगे इसमें लुप्त अंक है कहाँ, तो लुप्त अंक यहाँ पास मिल जाएगा आपको, यही जो है फाइंड करना है। तो इसमें जो है देखेंगे ये 4 9 को क्या करके 6 लाया है, इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे, तो जो इसमें लॉजिक लगेगा वही इसमें लगाएंगे। तो देखेंगे ये 4 भी किसी संख्या का वर्ग है और ये 9 भी किसी संख्या का वर्ग है, तो 4 जो है 2 का वर्ग होता है, ये 9 3 का वर्ग होता है। तो ये जो है हमने निकाल लिया, अब इनको हम आपस में गुणा करा देंगे। तो जब हम आपस में इनको हम गुणा कर दिए, तो 2 3 हो जाएगा 6, तो यानी 6 हो जाएगा इसके बराबर, तो 6 हमको यहाँ पास दिया है। इसी तरह देखते हैं अगले वाले में, तो ये 3 जो है ये 9 है, ये 9 3 का वर्ग है
और ये 16 जो है ये 4 का वर्ग है। अब जैसे हमने यहाँ पास इनको आपस में गुणा कराया था उसी प्रकार इसको भी हमने गुणा कर दिया, ये हो जाएगा 3 और 4 का गुणा हो जाएगा 12, तो ये 12 हमको यहाँ पास दिया है। यानी यही लॉजिक चलेगा, यही लॉजिक से बनेगा। तो देखेंगे इसमें हम, तो ये हो जाएगा 16 है तो इसलिए हो जाएगा 4 का वर्ग, और इसको तो हमें फाइंड करना है। यदि हम 16 में जो है हम ये 4 में हम क्या गुना कर दें कि 20 हो जाए, क्योंकि 20 हमको यहाँ पास दिया है, तो 4 में हम क्या गुना करें कि 20 हो जाए। तो यानी हम अगर 5 कर देते हैं तो इसमें अगर हम गुना, तो ये 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, तो 20 हमें यहाँ पास दिया है। यानी 20 हमें यहाँ दिया है, जब ये 20 हो जाएगा, यानी ये हमको 5 दिया है, तो ये 5 अगर हम यहाँ पास भरेंगे तो ये इसका स्क्वायर होके अंदर आएगा। तो हम अगर 5 का स्क्वायर देखें तो हो जाता है 25। यानी ये लुप्त अंक के स्थान पर अगर हम 25 भर दें तो अब देखिए अब बन जाएगा, क्योंकि ये 4 का हमने 16 चार ये 16 जो है ये 4 का वर्ग है, तो हमने 4 ले लिया, और ये 25 जो है 5 का वर्ग है। अब हमने यहाँ पास गुना कर दिया, अब हम इसको जो है लिख देंगे 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, तो 20 हमको यहाँ पास दिया है। यानी हमें लुप्त अंक के स्थान पर 25 भरना होगा। तो देखेंगे 25 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा आपको। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, देखेंगे इसमें तो दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही है, तो ये हमने लुप्त अंक यहाँ पास है, तो देखेंगे जो ये जो है किस प्रकार इससे संबंधित है। तो जिस प्रकार ये होगा उसी प्रकार से हम इसमें जो है अगला टर्म को भी हम इसमें लिखेंगे, देखेंगे कैसे बनता है। तो आइए देखते हैं, बंद कर होगा। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये एक मिस हो गया था डाटा, तो इसलिए जो है हमें रोकना पड़ा। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आएगा, और देखते हैं इसमें जिस प्रकार ये जो है इससे संबंधित है उसी प्रकार ये वाला जो है इससे संबंधित होगा। तो आइए देखते हैं, तो ये ए है, ए से जो है ये बी हुआ तो एक बढ़ा, सी से डी हुआ तो एक बढ़ा, ई से एफ हुआ एक बढ़ा, एच से जी से एच हुआ एक बढ़ा। नहीं, एक एक सब में प्लस हुआ तो हम इसमें भी एक एक सब में बढ़ा देंगे। सी है तो सी को हम एक बढ़ा के यहाँ पास डी कर देंगे, तो ये ई है, ई से हम एक बढ़ा के एफ कर देंगे, जी है तो जी से हम एक बढ़ा के एच कर देंगे, आई है तो आई से हम एक बढ़ा के जे कर देंगे। यानी डी एफ एच जे यही होगा आंसर। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि रीजनिंग की इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें रीजनिंग पूछी जानी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है।